ये गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और ऊपर वाले से दुआ है सबको बढ़िया रहना, एकदम तंदुरुस्त खास। तो अभी जा रहा हूँ मैं होटल के लिए और कर लेते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। बहुत दिनों बाद आज मोटो ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ और उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, मेरा चैनल का पहली बार हो सब्सक्राइब करके जाना चाहिए। तो कर लेते हैं स्टार्ट। और अभी मैं भांगे गांव से निकलते हुए और जाएंगे हम लोग आगे। यार मैं अभी उसमें कैमरा मेरे को सामने नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बिल्कुल, मैं ना पता नहीं चल रहा रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है, क्योंकि आज मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया है। कैमरा माउंट एक नीचे भी लगा दिया मैंने थोड़ा सा नीचे, उससे मोटो ब्लॉगिंग का प्रॉपर व्यू शायद आ जाएगा, उस तक कर लूँगा मैं वीडियो में जाकर भी। और ऊपर से उस देखते हैं क्योंकि रोड बरसात के कारण ऐसी रोड हो जाती है इधर, कितना अंदर काट रहा है ये गाड़ी को, क्या अपनी साइड नहीं काटते तो गाड़ी देख के साइड काट लेते हैं। एनी वेज तो ऐसा कुछ यही है नज़ारा ना गाँव, आजकल ग्राम पंचायत के चुनाव लगे पड़े हैं, जहाँ देखो तुम प्रचार 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 है हमारे इधर ना सरपंच लोगों को कोई नहीं पूछता है हमारे गाँव साइड में पहाड़ एरिया में, और यहाँ सरपंच के चुनाव किसी नेता के चुनाव से कम ही रहता है। यहाँ पे तो मतलब कि पार्षद के चुनाव से भी ज़्यादा खर्चा मेरे को लगा सरपंच के चुनाव में कर रहे हैं लोग, वैसा देख रहा हूँ मैंने बहुत सारा बैनर गाड़ियाँ ना खर्चा करते हैं लोग यार यहाँ पे सरपंच के चुनाव में। हमारे यहाँ पे ना सरपंच को कोई पूछता भी नहीं है, सरपंच हो गया इवन प्रधान को भी कोई नहीं। आज मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप चेंज कर दिया एक्चुअली, एक्चुअली जो पहले व्यू था ना, पहले कैमरा ऊपर माउंट करके रखा था, अभी मैंने दोनों दो सेटअप रखे हैं हेलमेट पे, एक नीचे वाला है और एक ऊपर, दो दो जगह मैंने कॉम्बे माउंट माउंट डाल दिया कैमरा माउंट। और आज मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ब्लॉग के साथ है ना, और बहुत दिन बाद मोटो ब्लॉगिंग भी हो रही है मेरी गाँव से आने के बाद, मतलब हो गए दो हफ्ते के आसपास हो गए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आज काफ़ी दिन बाद मोटो ब्लॉगिंग। तो मेरे को ज़रूर बताना चैनल बॉक्स में कि ये सेटअप है मेरा, ये सेटअप कैसा लगा आपको, ये जो इसका व्यू है पहले से बेटर है या आपके पहला वाला बेटर था, अभी वो ब्लॉग में धीरे देख के पता चलेगा मेरे को जब एडिट करूँगा। तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वाला व्यू अच्छा है या पहले वाला व्यू है ना, उस हिसाब से मैं फिर अपने कैमरे का सेटअप रखूँगा। देखो मेट्रो का जो फ्लेव है चढ़ गया है, मतलब मेट्रो का जो फ्लेव है लग गया है और कलर भी लगभग लगभग हो ही गए पूरे लगभग कलर भी, और शायद इसके ऊपर फिर जो इन्हें काम होगा पावर का हो गया आपका, और फिर उसके बाद पटरी फुटरियाँ जो भी, तो मुझे लग रहा है जल्द ही मतलब 2023 आप में ये मेट्रो फर्स्ट वाला फेज चालू हो जाएगा है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं, स्पीड से तो चल ही रहा है मेट्रो का काम। तो फर्स्ट फेज बोले तो अपना ये एयरपोर्ट से रिंग रोड साइड तक रेडिशन होते हुए तो फर्स्ट फेज से वो चालू हो जाएगा, तो देखते हैं कब तक होता है ना। थोड़ी ही आ रही है तुमने पीछे जाए तो अभी मॉडल स्क्वायर से जब पास नहीं कर पाएगा यार, यहाँ पर डाइवर्सन हो रहा ना तो थोड़ा सा इशू है अभी ट्रैफिक का यहाँ पे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ जाएगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा और इसी न्यूज के साथ कर लेते हैं ब्लॉग का एकदम, और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जान रहें, बस रहें, बाय गाइस।